आज 49वां दिन पुतिन राष्ट्रपति बोले, पश्चिम देशों ने दखल दिया तो गंभीर होगा अंजाम। रूस यूक्रेन युद्ध को नरसंहार बताते हुए बोले बाइडेन, यूक्रेन का सफाया करना चाहते हैं पुतिन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी, आज सीएम योगी ने बलिदानों को दिया याद। दिल्ली में आज हीट वेव से मिलेगा छुटकारा, केरल और असम में बारिश होने की संभावना। लगातार 4 मैच गंवाने के बाद सीएसके की पहली जीत, आरसीबी को 23 रनों से रौंदा। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। 40 साल में पहली बार है जब यूपी विधान परिषद में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, ये रिकॉर्ड भाजपा के नाम दर्ज हो गया है। इसके पहले 1982 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था। यूपी विधान परिषद में 100 सीटें हैं, इनमें से 36 सीटों के लिए चुनाव हुआ। 9 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की। जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से 24 पर भाजपा को जीत मिली, जहाँ सिद्धार्थनगर से सुभाष यदुवंश, फर्रुखाबाद से भाजपा प्रत्याशी प्रांशु दत्त द्विवेदी और आगरा से बीजेपी के प्रत्याशी विजय सिंह हरे ने जीत दर्ज की। कार्यकर्ताओं ने लंबे समय तक साथ दिया है और पार्टी का मोदी योगी का आशीर्वाद है। जनता ने, जनप्रतिनिधि ने वोट दिया है, जिनके वोट के दम पर जीता हूँ और प्रयास करूंगा 6 वर्ष उनके बीच में रहकर रात में सेवा करूँ और क्षेत्र का विकास। फर्रुखाबाद के लिए क्या नया होगा? फर्रुखाबाद के लिए प्रयास करेंगे, जो भी विकास कार्य हैं जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनको रफ्तार मिले। आदरणीय योगी जी ने लिंक एक्सप्रेस वे की बात करी है, वो जल्दी से जल्दी हो और जितने क्षेत्र के विकास कार्य हैं उनको रफ्तार मिलने की प्रयास। एक और अभूतपूर्व जीत दर्ज हुई है, क्या कहेंगे जनता के लिए? अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या करें? इसी तरह एकजुट रहे हैं और 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीते, उसके लिए कमल करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमाल कर दिखाया, वहीं उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार भी बनी है। अगर हम बात करें एमएलसी चुनाव की, तो एमएलसी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आगरा फिरोजाबाद एमएलसी विजय सिवरे, जो भारी मतों से जीत मिली है। बात कर लेते हैं, भारी मतों से जीत मिली है, क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी और मुख्यमंत्री दोनों का जन कल्याणकारी योजनाएं और जन जन तक काम कराना, बगैर भेदभाव के काम कराना उन योजनाओं के माध्यम से, और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद कि उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई, उस चुनाव को हम जीते। और कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को मिला कि सब वर्ग के, हर जात के वर्ग ने उसको वोट करा, कहीं ना कहीं विकास के पहिया चल रहा है, इसलिए वोट जब मिला हम जीते हैं तो हम विकास करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो थे एमएलसी के, वो ये कह रहे थे कि हमारी पूरी टक्कर रहेगी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद तो कहीं दिखे ही नहीं, वो क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी पहले दिन से नहीं थी मैदान में, भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता इस चुनाव में लगा हुआ था, शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ था और उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाने के बाद हमने समाजवादी पार्टी को परास्त किया। अब प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? विकास ब्लॉक पे जाके विकास। देखा आपने, ये थे आगरा फिरोजाबाद सीट से एमएलसी प्रत्याशी विजय सिवरे, जो भारी मतों से विजय भी हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये अपने विकास कार्यों को लेकर चमक पाते हैं या नहीं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। आप प्रीव्यू स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कि जो एमएलसी चुनाव का मतगणना हुआ था और जीत का जश्न किस तरह से कल मनाया गया था। सिद्धार्थनगर से तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, फर्रुखाबाद और आगरा से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जीत का जश्न भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए अमर बलिदानों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। सीएम योगी ने ट्वीट किया, देश की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले जलियांवाला बाग के अमर बलिदानियों को कोटिशह नमन, मां भारत
के वीर सपूतों का बलिदान स्थल जलियावाला बाग चिरकाल तक रहेगा। भारतवासी के हृदय में राष्ट्र सेवा और ज्योति जागृत करता रहेगा। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच रात भर भरी खबर है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से लोगों को हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद है, साथ ही तापमान में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ राज्यों जैसे केरल, असम, हिमाचल प्रदेश में आज बारिश हो सकती है, इससे इन राज्यों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2022 के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 23 रनों से हरा दिया। इस सीजन में चेन्नई की यह पहली जीत है। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 4 विकेट पर 216 रन बनाए थे। इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 193 रन बना सकी। चेन्नई के कई बल्लेबाजों में शिवम दुबे ने नामाद 95 और राबिन उथप्पा ने 88 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं गेंदबाजों में महेश दीक्षांत ने 23 रन देकर 4 और जडेजा ने 49 रन देकर 3 विकेट चटकाए। कुशीनगर के कस्या ग्राम सभा चकदेया में चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक घर का ताला तोड़कर नकदी और गहने समेत लाखों का सामान उड़ा ले गए। पीड़ित की हाटा में ज्वेलरी की दुकान है, जिसके बाद सुबह युवक जब अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है, जिसकी जानकारी पीड़ित ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस चौकी प्रभारी थाना अध्यक्ष मौके पर और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गए, साथ ही पीड़ित को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मऊ के मधुबन केदरपुर लीलहवा में घरेलू विवाद में देवर ने अपनी भाभी को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी देवर ने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। एक सूचना मिली थी कि एक युवक द्वारा उसके घर में किसी बात को लेकर के उसके भाभी के ऊपर हमला किया है। उसी बात को लेकर के तत्काल पुलिस ने मौके पर रिस्पॉन्ड किया और जो कार्रवाई की है उसमें ये पाया गया कि उसके द्वारा जो गांव वालों ने बताया है कि पहले अपने भाभी के ऊपर किसी बात को लेकर के हमला किया है, उसमें उनको रेफर किया गया तो उनकी जिला अस्पताल में पहुंचने के बाद मृत्यु हुई है। और जो ये युवक है उसके द्वारा गांव में कि एक किसी बात को लेकर के वो डिप्रेशन में था, उसने गांव में छुपने की कोशिश की है तो वहाँ पे और अन्य लड़की के ऊपर भी उसने हमला किया है, उनके हाथ को चूमकर, और उसका मेडिकल किया गया है, वो उसको कोई बाधा नहीं है, वो सेफ है। बाद में जब इसको ढूंढने की कोशिश की है तो इसके घर में ही ये युवक फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। दरवाज़ा अंदर से बंद था, पुलिस ने दरवाज़ा खोलने के बाद में इसको सीतापुर के रउसा में बिल्डिंग की दुकान में काम करते समय तारकोल मिक्सर गाड़ी में लगी आग से युवक झुलस गया, जिसके बाद दुकान मालिक ने मजदूर को आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मजदूर मुन्ना की हालत गंभीर बताई जा रही है। वही घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे रउसा थाना प्रभारी ओपी तिवारी ने बताया कि इस पूरे मामले में सभी से पूछताछ की जा रही है और ठेकेदारों को भी बुलाकर पूछताछ की जाएगी। अयोध्या जिले के बीकापुर में दो ईंट व्यवसायियों के मध्य चल रहे कानूनी झगड़े में स्थानीय तहसील प्रशासन पूरी तरह उलझता दिखाई पड़ रहा है। मामला बीकापुर के प्रतिष्ठित ईंट व्यवसायी कुलदीप नारायण और हरगोविंद वर्मा के बीच हुआ। तहसील प्रशासन ने न्यायालय में चल रहे विवाद के साथ ही न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने में पसीने छूट गया, जहां कुलदीप नारायण को प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई ईंट स्वीकार न करने के कारण फिर एक बार कानूनी दांव पेच में फंस गया है। वहीं हरगोविंद का आरोप है कि 15 लाख जीएमडी मार्क का ईटा सील करने के बाद स्थानीय प्रशासन उसकी जमीन का भी मुफ्त नहीं कर रहा है, जिससे उसका दोहरा उत्पीड़न हो रहा है। अलीगढ़ के नगर निगम का बुलडोजर मंगलवार को सारसौल चौराहे से जीटी रोड पर खूब गरजा। मुख्य मार्ग पर सरकारी भूमि पर बनी दुकान और गैराज ध्वस्त कर दिया गया। एलमपुर में भी सरकारी भूमि पर को कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान कुछ लोगों के ने विरोध किया, मगर निगम अफसरों की सख्ती के चलते किसी की एक न चली। बता दें कि नगर निगम में 110 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त कराया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए आज दो स्पॉट तय किए गए थे, एलापुर गढ़िया में और एलमपुर में। यहाँ पे जो भूमि है 9,740 वर्ग मीटर भूमि को आज मुक्त करा रहे हैं हम लोग।
जिसकी अगर बाजारू मालियत हम देखें तो लगभग 100 करोड़ रुपए होती है, और जो एलापुर गलिया में जगह मुक्त कराई गई वो 1800 वर्ग मीटर थी जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये। ये अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध ही अभियान निरंतर चलता रहेगा जो है। इसके अलावा और भी जगह हम लोग चिन्हित कर रहे हैं शहर में जहाँ भी अवैध अतिक्रमण जिन्होंने किया हुआ। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका